केवल प्रथम वर्ष में हो प्रमोशन, बाकी कक्षाओं की परीक्षाएं। नमस्कार दोस्तों, उच्च शिक्षा विभाग से विश्वविद्यालयों के कुलपति करेंगे चर्चा और यह होंगे चर्चा के मुख्य 6 बिंदु। केवल प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का द्वितीय वर्ष में प्रमोशन, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्ध उत्तरार्ध की हो परीक्षाएं। विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रोविजनल प्रवेश। पढ़ाई और परीक्षाओं में विलंब के चलते छात्र संघ चुनाव पर रोक। यूजीसी और केंद्रीय शिक्षा विभाग से चर्चा और जुलाई में सत्र की शुरुआत के साथ सिर्फ पढ़ाई। तो दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन को देखते हुए विश्वविद्यालय, सरकार और उच्च शिक्षा विभाग से चर्चा करेंगे। केवल प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने और बाकी कक्षाओं की परीक्षाएं करवाने पर विश्वविद्यालय का जोर रहेगा। हालांकि हालात सामान्य होने पर ही यह संभव होगा। कोरोना संक्रमण के चलते लगातार दूसरे साल राजस्थान सहित सभी राज्यों में हालात खराब हैं। सभी राज्यों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। संक्रमण के हालात को देखते हुए कॉलेज और विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं करवाना आसान नहीं है। पिछले साल भी किया था प्रमोट। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल करीब 50 दिन लॉकडाउन रहा था। इसके चलते राज्य स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट करने का फैसला किया था, जबकि तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाई गई थी। लगातार प्रमोशन ठीक नहीं। कोरोना संक्रमण के चलते हालात इस वर्ष ज्यादा खराब हैं। कुलपतियों, शिक्षाविदों का मानना है कि विद्यार्थियों को लगातार दूसरे साल प्रमोशन देना ठीक नहीं है। इससे उनकी शैक्षिक अभिरुचियों, परफॉर्मेंस और पढ़ाई पर असर पड़ेगा। लगातार 2 साल प्रमोट होने से विश्वविद्यालयों के लिए भी उनका तृतीय वर्ष का रिजल्ट तैयार करना आसान नहीं होगा। ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प ही नहीं। राजस्थान में 27 सरकारी विश्वविद्यालय हैं। इनसे राज्य के 328 सरकारी और 1852 निजी कॉलेज संबद्ध हैं। इनमें सत्र 2020-21 की स्नातक और स्नातकोत्तर की विषय की परीक्षाएं करवाई जानी हैं। किसी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने के विकल्प और समाधान नहीं हैं। प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी, कुलपति जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर का कहना है कि लगातार दूसरे साल विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट करना व्यवहारिक नहीं होगा। इससे उनकी शैक्षिक परफॉर्मेंस और ज्ञानार्जन पर असर पड़ेगा। 2 साल की पढ़ाई से ही तृतीय वर्ष का मूल्यांकन संभव होता है। हालात को देखते हुए केवल प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करें तो ठीक है। हम उच्च शिक्षा विभाग से इस पर चर्चा करेंगे। बाकी दोस्तों, सीधी सी बात यहाँ के लिए है कि सगड़ी यूनिवर्सिटियां का कुलपति एक ही डोल का ही। चर्चा तो है बेरोकोनी कदकरसी, पर न्यूज दे देर टिंगरा की खाल जरूर खासी।